मित्रों, हम भगवान शिव को कई नामों से संबोधित करते हैं, जैसे शिव, भोलेनाथ, शंकर, महाकाल, महादेव, महामृत्युंजय, जटाधारी, स्वयंभू। शिव के कई रूप और कई नाम हैं। इनके अनंत नाम है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शिव, सदा शिव और शंकर, ये तीनों अलग अलग हैं। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों अलग होकर भी एक हैं और एक होकर भी अलग हैं। हालांकि शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव, सदा शिव तथा शंकर में भेद करेगा, वो नर्क की आग में जलेगा। लेकिन हम यहाँ महादेव के रूपों में भेद नहीं कर रहे, बल्कि भक्तों को शिव पुराण में लिखी बातों को बताने जा रहे हैं। मित्रों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं। ये वीडियो खासकर इन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। मेरा उद्देश्य इनमें भेद करना नहीं, अपितु शिव भक्तों को इस ज्ञान से अवगत कराना है। मित्रों, पहले हम शिव और शंकर में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। मित्रों, हमें दो प्रकार के शिव चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक हैं शंकर, जो मानव रूपी हैं। ये मृत्यु लोक में जन्मे हैं, उनकी जटा है जिससे पवित्र माँ गंगा की धारा बहती है। उनके पुत्र हैं धर्मपत्नी माता पार्वती हैं, और वह कैलाश पर्वत में एक तपस्वी का जीवन जीते हैं। उनकी कल्पना के आधार पर बनाई गई भगवान शंकर की छवि कुछ ऐसी ही है। यह निराकार शिव का ही रूप है, जिन्होंने दुष्ट दुराचारी राक्षसों के वध और मानव जाति को उचित दिशा प्रदान करने के लिए मानव रूप धारण किए। इस प्रकार शंकर शिव के वह रूप हैं जो मानव रूपी हैं, जिन्होंने इस संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आकर ठहरे हैं। वह सिद्ध पुरुष हैं, वह आदि योगी हैं, मतलब इस दुनिया के सबसे पहले योगी हैं, जिन्होंने योग तंत्र, मंत्र आदि को प्रकट किया। दूसरा नाम शिव है, जो शिवलिंग है, जो इस संसार ब्रह्मांड को दर्शाता है। शिवलिंग का अर्थ चिन्ह से है। संस्कृत में लिंग का अर्थ किसी प्रतीक या चिन्ह से होता है, और शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। इसे आप गलत दृष्टि से कदापि न देखें। शिव परमात्मा है, रचिता है। शंकर उनका मानव रूप है, उनकी रचना है। शिव का संबंध ब्रह्म लोक से है, और शंकर सूक्ष्म लोक के परमधाम में निवास करते हैं। ब्रह्म लोक का अर्थ अनंत ब्रह्मांड है, और सूक्ष्म लोक अपनी पृथ्वी है। शिव की आराधना शिवलिंग से होती है। उनका कोई आकार नहीं है, वह निरंकारी हैं, वह बिंदु हैं, इस संसार को चलाने वाली ऊर्जा हैं, वह असीमित दिव्य अंधकार हैं। आप भगवान शंकर को शिव का मानव रूपी अवतार कह सकते हैं, क्योंकि शिव अजन्म हैं, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हैं, जबकि शंकर सकारी देवता हैं। शिव ऊर्जा ही शंकर में प्रवेश करके वो महान कार्य करते हैं जो अन्य कोई देवता नहीं कर सकता। शंकर विनाशक हैं, शंकर महान शक्ति का एक अंश हैं। मित्रों, अब आइए आपको सदाशिव और शिव में क्या अंतर है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार शिव आदिशक्ति को माँ कहकर पुकारते हैं और सदाशिव को पिता। शिव सदाशिव से कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का जन्म आपसे हुआ है, मेरा भी जन्म आपसे ही हुआ है, इसीलिए मैं भी आपकी संतान हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति माँ आदिशक्ति और सदा शिव से हुई है। ऐसा उल्लेख है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा सदाशिव के अर्धावतार हैं, जबकि शिव उनके पूर्णावतार हैं। शिव और सदाशिव में कोई अंतर और भेद नहीं है। पुराण के अनुसार सदाशिव कहते हैं कि जो भी मुझ में और शिव में भेद करेगा वह नरक जाएगा। हम तीनों एक ही हैं, मगर इस संसार में हम अलग अलग रूप लेते हैं। जब हम सदाशिव के बारे में बात करते हैं तो हम इस संसार की महान ऊर्जा के बारे में सोचते हैं, जो परमात्मा है, संसार की शक्ति है, वो अनंत है। और जब हम शिव के बारे में सोचते हैं, जो कि सदा शिव ही नहीं, वह भी निराकार है, अनंत है। और जब हम शंकर के बारे में बात करते हैं तो वह मानव रूपी देवता है, जो पृथ्वी में रहते हैं,
जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं। मित्रों, जिस प्रकार मिट्टी से अनेकों वस्तु बनाई जाती हैं और उसको अलग अलग काम में उपयोग किया है, जिस प्रकार धातु से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है और अलग अलग कार्य के लिए इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मोटर बाइक, ट्रक, वायु विमान, मशीन, घर आदि, ये सभी धातु से ही निर्मित हैं, लेकिन इन सभी का नाम अलग अलग हैं और काम भी अलग हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी धातु ही हैं, इनको अलग अलग रूप में इसलिए रचा गया ताकि मानव जाति को इससे सहायता मिल सके। ठीक इसी प्रकार भगवान एक ही हैं, लेकिन इस संसार, इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए और गतिमान करने के लिए अलग अलग रूप में अपने आप को विभक्त किया है, क्योंकि जब तक भगवान अपने आप को विभक्त नहीं करेंगे तब तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान ही हैं, या फिर यह समझिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान से ही उत्पन्न है, लेकिन अलग अलग कार्य को पूर्ण करने के लिए इन्होंने इतने रूप को प्रकट किया है।